नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इंडियन कॉमन करेंट। गांव में एक शख्स को सर्पदंश होता है। सर्पदंश के बाद जो है उस शख्स को ना डॉक्टर ना ट्रीटमेंट, वहां पर थाली, अब जानते हैं थाली जो बहुत समय में कुत्ते बाइट करने के बाद भी उसको पीठ में बैठा जाता, और इस थाली को उसका पीठ में बैठा के लगातार इलाज किया जा रहा था। वो जो ओझा जी उसको इलाज कर रहे थे, वो दवा कर रहे थे, मैं पूरी तरह पूर्ण रूप से इनको स्वस्थ करूंगा, आप टेंशन मत लो। वो घर वाला उन्हीं के भरोसे में, पहले से भी गांव वाला लोग इसी भरोसे करते रहते हैं, चाहे मरे चाहे बचे उससे मतलब नहीं, लेकिन इसको भी उसी तरह भरोसे में था। और लगातार झाड़ फूँक हो रहा था, थाली बैठाया गया था और थाली पीठ में चिपक रहा था, क्योंकि इसका मतलब है उनके शरीर में जहर है और ये थाली लगातार जहर खींच रहा। और थाली जब गिर गया, ओझा ने कह दिया कि इनका जहर सब निकल गया, अब टेंशन मत लीजिए। उसके बाद वो चले गए। चले जाने के बाद जो है रात को अचानक उस शख्स को सीने में दर्द हुआ, जलन हुआ, उसके बाद जो है उनका मौत हो गया। तब कितना टाइम हो चुका था, 4 से 5 घंटा, 5-6 घंटा में उनका मौत हो गया। दोस्तों देख लीजिए, एक चीज बताता हूँ कि हम अक्सर बताते हैं इंडियन कॉमन करेट, ये सांप जो है साइलेंट किलर, और ये साइलेंट किलर जब बाइट करता है इसका कोई एब्नॉर्मल कोई सिम्टम नहीं होता। कोबरा की दूसरे सांप की तरह दर्द नहीं होगा, सूजन नहीं होगा, ना वहां पर कोई कलर चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, बाइट मार्क भी नजर नहीं आता। तो हुआ क्या इसमें, ओझा उसको 2 घंटा का अंदर में ठीक करके कह दिया कि पूरी तरह पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है, पूरी तरह जहर खींच लिया थाली, और उसके बाद वो घर चले गई। और उसके बाद रात को 6-7 घंटे के बाद उनके साथ ऐसा होता है। क्यों हुआ, जैसे कि जानते हैं कॉमन करेट का ये असर 3-4 घंटे के बाद होता है। अगर जहर कम जाता है तो लेट से होता है, जहर अगर ज़्यादा जाता है तो जल्दी असर होता है, फिर भी कितने भी है 3 घंटे के बाद असर होता है। 3 घंटे के बाद सीने में जलन, सीने में दर्द, गले में शुष्क पड़ना, उसके साथ साथ जो आपको मतली मतलब नींद आना। तो इनको ये जो ओझा जब झाड़ रहा था उस समय में उनको असर कुछ नहीं हुआ, सांप काटा, सांप को मार दिया गया, सब कुछ ठीक है। आपके आँख के सामने देख रहे सांप पड़ा हुआ है, ठीक है। जब वो 2 घंटा तक उसका, पहले तो डरा हुआ था मरीज को जब बाइट किया उस समय डरा हुआ था, और धीरे धीरे जब थाली बैठाया गया वो डर खत्म हो गया और वो पहले से ठीक होने लगा कि भैया ठीक हो रहे। तो ओझा सोचा हाँ खत्म हो गया, और घर वाले भी सोचे इनका जहर खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले ओझा बहुत बार ऐसे ठीक कर चुके हैं जो बिना जहरीला सांप था थाली बैठा के। या बहुत समय में फॉल्स बाइट होता है, लेकिन ये सांप तो फॉल्स बाइट होता नहीं। 6-7 घंटे के बाद असर हुआ तब जो है इनका मौत हुआ। लेकिन ओझा जब इनको छोड़ के चला गया, कहा ये पूर्ण रूप से ठीक है, तब तक इसका असर ही नहीं हुआ था, सांप का जहर कोई असर नहीं हुआ था। अब इस शख्स का मृत्यु हो गया। लेकिन लोगों का सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि अगर हॉस्पिटल में मरेगा तो वहां डॉक्टर का खिलाफ, आप हॉस्पिटल तोड़फोड़ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ओझा जब किसी को मारता है किसी का ये हिम्मत नहीं होता उनके जाकर टोके कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, आप इस तरह क्यों किए। देखिए पहले वीडियो देख लीजिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं अभी जैसे हम आप पहुंचे हैं, ये जो है कौन का भैया, आसनलिया जो कि हरिजन टोला, आसनलिया हरिजन टोला है ये, और ये हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट निरसा क्षेत्र यानी कलियासोल प्रखंड में पड़ता है ये, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है सैनिक बाइट से। तो देखिए अभी पहुंच रहे हैं। घटना जो हुआ है ये घटना कब का है, 3 बजे का घटना है, मतलब ये जो है जमीन पे सोया हुआ था, है ना, और सोने के बाद क्या हुआ इसका, मतलब कैसे आप पहचाने कैसे जो सांप काटा है। सब वहाँ पर बोल रहा था, यहाँ पर लटका हुआ था, एक बार मारा तो उसे कर दिया। कौन कास्ट का है वो, भंडारी, वो घर में होगा अभी, अभी घर में है कि पता नहीं, शायद होगा, उनका भी घर जाना भैया। अगर वो झाड़ फूक किया तो फिर ठीक कह नहीं हुआ, कहने ठीक हुआ, ये आदमी तो वही मराया ना, इस आदमी का जान वही लिया। आप लोग उसका ऊपर FIR कीजिए तुरंत, अभी फौरन उसको उसका ऊपर FIR कीजिए। अगर उसका कुछ जानकारी नहीं है ऐसा तो झाड़ फूक में ठीक होता ही नहीं। ये जिंदगी से चल गया बेचारा, इसका कौन बच्चा है, तीन बच्चा है, देखिए बेचारा मजदूर करता है और 3 छोटा-छोटा बच्चा। बाबू इधर आ जाओ बाबू, ये छोटा बच्चा है, देखिए ये जो है
कितना छोटा है और इससे भी और एक छोटा बच्चा है, तीन बच्चा है। इस बेचारे पर कितना दुखों का पहाड़ टूटा है। ये टूटने का वजह क्या है? झाड़ फूक, अंधविश्वासी है अभी भी। ये टूटने का वजह झाड़ फूक है भैया। तो दोस्तों आप देख रहे थे इस शख्स हारम स्नेक सेवा, ये धनबाद से गोविंदपुर के एरिया में रहते, हमारा स्टूडेंट है और लगातार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गांव गांव में जाकर इस तरह आदमी को अवेयरनेस करते, समझाते हैं ताकि आप इस तरह काम ना करें, क्योंकि अंधविश्वास में आदमी इतना ज्यादा नील हो चुके हैं कि सर्पदंश के बाद सोच लीजिए जहाँ डॉक्टरी इलाज होना चाहिए वहाँ थाली बैठाते हैं। थाली कभी जहर बॉडी में क्या चूस सकता है, निकाल सकता है? ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह फेक है, ये अंधविश्वास है। ये तभी ठीक होता है जो बिना जहरीला सांप काटा उसमें जहर नहीं गया, उस वक्त वो ठीक होता है। आप सोचते हैं आपको पता नहीं जहरीला काटा बिना जहरीला कुछ भी है, थाली बैठाया गया ठीक हो गया, ओझा तो जानता है भैया ठीक हो गया बिना जहरीला था, वो अपना दुकान चला रहा। और आपका जब आदमी मर जाता है ना तब आपको पता चलता है कि क्यों ये ओझा फेल हुआ। ओझा इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें जहर गया था, ये जहरीला सांप है। और साइलेंट किलर करेज सांप भारत का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। और ये शख्स लगातार ये हारून जी कहते जा रहे हैं ये आप लोग जो है इस पर कार्रवाई करें ताकि वो इससे बार और किसी का साथ इस तरह घटना ना घटे, किसी का साथ इतना खिलवाड़ ना करे। उस शख्स का दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, सोच लीजिए जिंदगी भर कितना मुसीबत उनके परिवार को, उनका पत्नी को कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज़ दोस्तों आप हाथ जोड़ के कहता हूँ सर्पदंश हो तो तुरंत जो डॉक्टर के पास जाए और तुरंत सूचना करे, हमको सूचना दे, हम कोशिश करेंगे आप जहाँ पर भी है हमसे जितना बन पड़े हम कोशिश करेंगे आपको मदद करेंगे, आपका मरीज को बचाएंगे। प्लीज़ आप सभी को अनुरोध करता हूँ मुझे सपोर्ट करें, हमारा एक ही लक्ष्य है सर्पदंश का जो मृत्यु है उसको रोकना, कम करना और इस अंधविश्वास को दूर करना, झाड़ फूँक को पूरी तरह पूर्ण रूप से बंद करना। दोस्तों जय हिंद जय भारत।